आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कानी और मुस्कान अजमानी, और खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। तो निकाय चुनाव के नतीजों को आप सभी ने देखा कि किस तरीके से भाजपा ने निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी इस निकाय चुनाव में बेहद नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह है 2024 के चुनाव से पहले, जिसमें भाजपा ने बड़ी जीत हासिल करते हुए यह बता दिया है कि अभी भी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का मैजिक यू ही कायम है। तो वहीं इस दौरान तमाम नेताओं के क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। मजाली से मुकामी और बल्दियात के इंतखाबी नतीजे आए, या नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं, और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुबहाना व तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का। डालने दो, वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या पुलिस में, जहां वोट नहीं डालने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आजादी नहीं है, पाबंदियां और केवल झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपोगंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के जमाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था प्रोपोगंडा मिनिस्टर, लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपोगंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो आपने सुना कि किस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये पूरी पार्टी प्रोपोगंडा पे चलती है और निकाय चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, यही वजह है कि नतीजे पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में गए हैं। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं यूपी में ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा था, जिसमें भाजपा ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन योगी के आगे विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ढेर नजर आई है, क्योंकि 2024 के पहले जो 2023 में, यानी कि आपसे महज कुछ ही दिन पहले जो निकाय चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने सभी 17 के 17 नगर निगमों पे अपने ही मेयर उम्मीदवार बनाए थे, जिन्होंने प्रचंड जीत भी हासिल की थी। तो वहीं नगर निगम के अगर हम चुनावों पर एक नजर डालें तो बीजेपी के जो 17 मेयर थे वो चुने गए हैं, 813 पार्षद, 88 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों की संख्या 1331 है। तो यानी इन सभी आंकड़ों के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि जो भाजपा का प्रदर्शन है वो कितना शानदार रहा है, और अब 2024 की तैयारियों में भी जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो जुट चुके हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार के, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव की जीत भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं को एक बूस्टर डोज देने का काम किया है, जिससे और बेहद ही गर्मजोशी और जोरों शोरों से यूं कहे कि जो कार्यकर्ता है वो चुनावी मैदान में और ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। तो निकाय चुनाव के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती हुई नजर आई, और यह कहा जा रहा है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, यही वजह है कि जो भाजपा है उसने प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन उस चुनाव में एक पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, वो रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, यानी कि AIMIM। जी हाँ, यूपी के कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इतिहास रच दिया है। निकाय चुनाव में बीजेपी के गढ़ में ओवैसी की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। घाटमपुर नगर पालिका में AIMIM प्रत्याशी गजौला तबस्सुम ने बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों को धूल चटा दी है। तो जहां एक तरफ सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के आंकड़ों पर भी हम एक नजर डालें तो कहीं पश्चिम यूपी में जो ओवैसी की पार्टी है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी पहले कहा जाता था कि अखिलेश यादव का गढ़ है, और उसी गढ़ में सेंधमारी लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सपा को इस चुनावी नतीजों में नुकसान हुआ है उसके पीछे बड़ा हाथ ओवैसी का माना जा रहा है। तो वहीं यूपी के निकाय चुनाव में योगी के आगे विपक्ष कितनी ढेर हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति होगी पार्टियों की,
इन सभी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का पैनलिस्ट जुड़ा है, जिसमें विवेक श्रीवास्तव भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं, सपा से प्रवक्ता रविंद्र जी जुड़े हैं, तो वही वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले तो मैं आप सभी का प्राइम टीवी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। ठीक है, सीधे चलते हैं विवेक जी के पास। विवेक जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है, क्या ये माना जाए कि योगी के आगे विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से ढेर हो चुकी हैं? देखिए मुस्कान जी, ये स्थिति तो विधानसभा चुनाव में ही देखने में आ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे विपक्ष धराशायी है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, और आपने इस नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम जमीनी पकड़ के चलते विपक्ष धराशायी है, कहीं दूर दूर तक विपक्ष दिखाई नहीं देता जमीन पर। आज अखिलेश जी इतने आरोप लगा रहे हैं, आप उनकी रैलियां देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम देख लीजिए, कितने कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे, कितने कार्यक्रम अखिलेश जी ने किए उत्तर प्रदेश में, जब यहाँ चुनाव था तो कर्नाटक टहल रहे थे। तो ऐसे में अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप चुनाव प्रक्रिया पे आरोप लगाइए। आप स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की बचकारे आरोप शोभा नहीं देते। जिन सीटों पे विपक्ष जीता है उस पर विपक्ष की क्या टिप्पणी होगी? जब ओवैसी जैसे पार्टी के लोग जीत के आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना कि धांधली हुई एकदम बचकाने बातें हैं। ठीक है, इसको जनता या मीडिया कोई गंभीरता से नहीं लेता। कर्नाटक में आपने देखा, परिणाम आने से पहले कांग्रेस वाले रोने को तैयार थे, परिणाम आया, अब वहां कोई ईवीएम के मैयत नहीं निकाल रहा। ये सब बचकाने आरोप है, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है, डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार जनता ने दी है। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, हमारा हृदय से धन्यवाद है जनता के प्रति जिन्होंने हमें मौका दिया है। हम पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से इस मौके पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो रविंद्र प्रताप जी भी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई के, तो जब सपा इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई है या सपा जब जीत नहीं दर्ज कर पाई है, तो अब वो राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। पहली बार हमने सवाल नहीं उठाया, सवाल तो हम इससे पिछली बार भी उठाए थे, हमने पत्र भी दिया था, उससे सूचना आयोग ने हमसे प्रश्न का उत्तर मांगा तो वो भी हम लोगों ने दे दिया था, और ये कोई नई बात नहीं है। जो इन लोगों ने किया है इसको खुद ही मालूम है, लेकिन अगर ये अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, हमारे बड़ी हार का दावा कर रहे हैं, तो पहले तो ये खुद समझ ले कि ये दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं 33.75% वोट से, इसका मंथन ये करें सपा का बात छोड़ दें, बीजेपी है 31.22% को लेके दूसरे नंबर पे। हमारी परफॉर्मेंस नगर निगम के मेयर पद में नहीं आती थी, इस बार भी नहीं आई, लेकिन नगर पालिका पे हमने इनको 89 के बदले में 62 और थोड़ा इनकी आवाज ठीक कराइए मुस्कान जी, 191 के बदले में 181 का टक्कर दिया है, तो ये इनके सोचने की बात है। दूसरा विषय है कि इनके आवाज ठीक कराइए, आवाज ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी रविंद्र जी की आवाज पहले ठीक कराए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रुक करती हूँ सीधा आमिर साबरी जी का। आमिर साबरी, जिस तरीके से जो पश्चिमी यूपी में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या लगता है उससे सपा के लिए खतरा बढ़ सकता है आगामी चुनावों में? बात तो ये है कि ओवैसी की अपनी राजनीतिक पार्टी है और ओवैसी जी अपनी पार्टी के मुखिया है, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है सीटें लाई और सब चाहते हैं कि हम बहुमत में आए, हमारे कैंडिडेट जीत करके आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक जमाना था कि समाजवादी पार्टी के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते थे,
दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जहां तक सबसे ज्यादा अगर आरोप लगाती है तो समाजवादी पार्टी ही वैसी पर आरोप लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बीटी में। और अभी आपने एक बात कही थी कि बराबर चल रही है वो बात के आफ्टर चुनाव, मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि आफ्टर चुनाव ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, देखिए मुस्कान जी, कहीं से सही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर इन चुनाव राजनीतिक पार्टियों को कोई ईवीएम से खतरा है या चुनाव आयोग से खतरा है तो उसको लिख करके दे कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। बड़ी सीधी सीधी बात है। और मैं पहले कह चुका हूं, चुनाव जब ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की आवाज होती है, अगर सारी राजनीतिक पार्टियां लिख के दे देंगी तो मुझे नहीं लगता मुस्कान जी कि चुनाव आयोग बैलेट से चुनाव ना करा करके ईवीएम से कराएगा। कहीं ना कहीं इन पार्टियों की, देखिए जो बात कह रहे थे अभी हमारे विवेक जी ने बड़ी अच्छी बात की, विपक्ष कहीं दिखा नहीं, बिल्कुल सही बात है, विपक्ष नहीं दिखा। मैंने कहा था पहले भी, फिर कह रहा हूं कि सत्तासीन पार्टी के चार बड़े नेता, मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और प्लस प्रदेश अध्यक्ष, चार लोग 200 रैलियां करते हैं, दो दो सभाएं करते हैं, वही मुख्य विपक्ष अखिलेश जी मात्र 10 सभाएं करते हैं। तो आप बताइए कहां 10 सभाएं, कहां 200 सभाएं, 5% में आप भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? बड़ा मसला ये है, बड़ा सवाल ये है मुस्कान जी कि कहां 200 सभाएं और कहां 10 सभाएं, आप 5% सभाएं कर रहे हो, फिर अब ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी पे गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वैसे ही लड़ा जैसा कि लड़ना चाहिए था, अखिलेश चुनाव कहीं लड़े ही नहीं। सीधी सीधी बात यह, कहीं ना कहीं लगता है और जनता समझ चुकी है कि अखिलेश ने वॉकओवर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब जहां तक सवाल है वो वैसी साहब का, तो वैसी साहब राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, उनको अधिकार है कि तमाम जगह चुन लड़ा है। और आप देखिए पिछली बार फिरोजाबाद में उनकी पार्टी का मेयर सेकंड नंबर पे था, इस बार अखिलेश जी ने उसको अपनी पार्टी टिकट दे दिया, वो तोड़ लिया, और इस बार मेरठ में सेकंड नंबर पे फिर आ गया। बिल्कुल मिलाकर के ओवैसी का जनाधार तो बढ़ना ही बढ़ रहा है, इसलिए कि जितना समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को छला है इस 30 साल के अंदर, राजनीतिक पार्टियों में किसी ने नहीं छला है। ठीक है, और इसीलिए इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। ठीक है रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी क्लियर मिल रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, अभी अपने आमिर साबरे जी की बात सुनने की, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार में कोर कसर छोड़ दी, यही वजह है कि जो सारी सीटें हैं वो भाजपा ले गई। अगर इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2017 से, तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम प्रचार हुआ था, हमारा अच्छा परिणाम आया था। इस बार की बात करते हम लोग, ये चुनाव होने वाले थे नवम्बर में, ठीक है, और सितंबर में हम पूरी तरीके से तैयार थे। अब जब भी चुनाव डिक्लेयर हुआ तब सबसे पहले हमने अपने प्रभारी जिले के नियुक्त किए, सबसे पहले मेयर के और पार्षदों के लिस्ट घोषित किया। अब ठीक है, हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया हुआ है, लेकिन बीजेपी जो दम भर रही है कि भाई हमने अच्छा परिणाम लाया, वो स्वयं में द्वितीय नंबर पे है, तो उससे आगे बहुत सारे निकल गए हैं, में हमारे भी प्रत्याशी लोग हैं निर्दलीय के रूप में, तो निर्दलीय फर्स्ट है, बीजेपी सेकंड है, हम थर्ड हैं। और इनके जो प्रमुख मंत्री लोग हैं, जैसे श्रीमती प्रतिभा शुक्ला हो गई, वहां चुनाव हार गए, केंद्रीय गृह मंत्री हो गई अजय मिश्रा टेनी जी, उनके वहाँ हार गए। इटावा में भी फिर आपकी पार्टी चुनाव हार गई, फिर आप अपनी पार्टी के अंदर भी देखिए ना कि वहाँ आप में कहाँ कहाँ कमी रह गई, आपकी पार्टी से भी दिग्गज नेताओं का क्षेत्र नहीं बच पाया। मैंने बोल दिया है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा। बिल्कुल, इस बात को मैं कह रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ मैं इस बात। तो यानी कि ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं योगी का मैजिक अभी भी यूपी में कायम है रविंद्र जी। अगर कायम होता तो दूसरी निर्दलीय से पिछड़ क्यों जाते? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेते हैं, तो अगर निर्दलीय से पिछड़ गए हैं तो यह क्या ये योगी जी पे प्रश्न है क्या? क्या निर्दलीय पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी से? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है फिर योगी जी के उसपे। अब रही बात कि योगी जी का मैजिक कायम है या नहीं कायम है, ये तो एक अलग विषय है। विषय ये है कि इस बार जो इन्होंने करीब 350 प्रत्याशियों को, मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दिया था, तो वो हमारी एक प्रकार से नैतिक विजय थी। ठीक है, हमारे वहां से नहीं जीते, उसमें से कुछ जीत के भी आए हुए हैं, तो इन्होंने हमारे अपनी अपनी विचारधारा बदला। ये केंद्र में टिकट नहीं देते थे, राज्य में नहीं देते थे, तो इन्होंने अभी निकाय के चुनाव में दिया, तो अपनी विचारधारा बदला। इसका स्वागत करता हूं मैं कि अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। तो
ठीक है रविंद्र जी, विचारधारा तो बदल रही है ठीक है, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है? असद जी की पार्टी जो है केवल तीन जगह प्रदर्शन कर पाई है, एक तो मेरठ मेयर में जहां कुछ ना कुछ हमारा आपसी प्रत्याशियों का तालमेल नहीं बैठ पाया, एक बरेली के वार्ड में जीत पाई है, तो इसको बहुत बड़ा प्रेजेंट नहीं कर सकती। लेकिन पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें रविंद्र जी, तो AIMIM की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और कानपुर में भी ओवैसी की पार्टी ने इतिहास रचा है। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, कुल 5 वार्डों में जीते हैं, एक मेयर पे द्वितीय रहे हैं, मेरठ मेयर पे द्वितीय रहे हैं, 5 वार्डों में जीत हासिल की है, तो ठीक है अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो हम उसको कैसे क्यों कह दें कि भाई आप मत जीतिए। उन्होंने 5 वार्ड में जीत हासिल किया और एक मेयर पे द्वितीय नंबर पे रहे, तो इसके लिए उनको बधाई है। हम अपनी स्ट्रेटजी को देखें कि कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब से ओवैसी की पार्टी सक्रिय है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स है जिन पर आप लगातार अपने दावे करते हैं वो आपसे छटक चुके हैं? अभी एकदम तो नहीं कर सकते, अगर छटक चुके होते तो भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, एकदम तो ये नहीं कर सकते छटक चुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर खाली मुस्लिम मतों की बात करेंगे तो मुस्लिम मतों का बंटवारा तीनों पार्टियों में हुआ है, भाजपा में भी हुआ है, AIM में भी हुआ है, और जो मेजर जंग था वो हमारे पास तो आया है। तो आप एकदम से आप बाध्य तो नहीं कर सकती किसी समुदाय को कि आप इसी पार्टी को एकदम बाध्य होकर वोट दीजिए। एक चीज और भी स्पष्ट हो गई, कुछ मत आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं, तो ये तो पक्का हो गया ना, जो लोग बार बार मुस्लिम समुदाय पे आरोप लगाते थे कि वो समाजवादी पार्टी की बधुआ वोटर है, ये जो एस्टेब्लिश किया जाता था ये मुस्लिम मतदाताओं का, वो तो खत्म हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे वोट जहां जहां कम हुए हैं, मेयर में हमें कोई चिंता नहीं, हम नहीं पाते थे, बाकी अन्य जगह हम टक्कर में हैं, लेकिन मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण जो एक तरफा बताते हैं लोग हुआ करता था वो नहीं हो पाया है, तो हम अपने मत प्रतिशत को कैसे आगे बढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। इसको आप 2024 से भी नहीं जोड़ के दे सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप कर्नाटक ले लीजिए तो 28 में से 25 सीट जीते थे और अब की 64 सीट जीते कुल भारतीय जनता पार्टी वाले, नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा महकमा लगाने के बाद ये निर्दलियों से भी हार गए। विवेक जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी पार्टी निर्दलीय से हार गई है जिस तरीके से रविंद्र प्रताप जी लगातार ये आरोप आप पर लगा रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, रविंद्र जी तर्क नहीं कर रहे, कुतर्क कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। जिन स्तर पे वो निर्दलीय चुनाव की बात कर रहे हैं, जितना छोटा चुनाव होता जाता है उतने ही सारी पार्टियों के सामने समस्या होती है कि तमाम प्रत्याशी उनके बगावत करके लड़ जाते हैं, उनसे तुलना करना एक राजनीतिक दल की ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दल की तुलना राजनीतिक दलों से होनी चाहिए। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही सारे चुनाव में, ये सत्य है। अब इस सत्य को जानबूझ के ना समझने की चेष्टा की जा रही है रविंद्र जी के द्वारा, तो उनका विषय है, वो आपकी राय को भी नहीं समझना चाहते, और जो जनता ने जनादेश दिया उसको देख करके भी समझना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की लोकप्रियता स्वीकारता उनके वोट बैंक में कम होती जा रही है, इसको कहना नहीं चाहते, समझ रहे हैं, विद्वान आदमी है, लेकिन समझ करके कहने से संकोच है, ये उनका विषय है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पे चलते हैं, तुष्टिकरण हम किसी का नहीं करते। बहुत से लोग हमारे यहां जीत के आए हैं, मैं रविंद्र जी की बात से सहमत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए किसी के तुष्टिकरण की उस पर नहीं जाती, और सब लोग मिलकर के आए आगे बढ़े हम यही चाहते, और वो हो रहा है। जिस तरह से जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को आशीर्वाद दिया है,
उनके नेतृत्व में जो प्रदेश में कार्य हुए हैं उसको देखते हुए और जो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, उन दोनों सरकारों के कार्यों पे अपनी मजबूत मोहर लगाई है जनता ने नगरीय निकाय में भाजपा की सरकारें बनवा करके। तीसरे इंजन की सरकार जो हमने जनता के बीच कहा था उसको जनता ने स्वीकारता दी है और अब विकास 3 गुनी गति से उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा और हम उस अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, अभी आपने सुना कि आपने बोला कि नगर निकाय चुनाव की जो मेयर सीटें हैं ठीक है वो हम नहीं जीत पाए, 2017 में भी हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना आखिर कहां तक लाजमी है हर बार, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र संस्था है लेकिन उसके बावजूद जब नतीजे आते हैं तो आपकी पार्टी लगातार जो निर्वाचन आयोग है उस पर सवाल खड़े करती है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से स्वतंत्र संस्था है, खाली वही नहीं है, सीबीआई भी स्वतंत्र संस्था है, ईडी भी स्वतंत्र संस्था है, एनआईए भी स्वतंत्र संस्था है। तो दुरुपयोग आपने राष्ट्रीय स्तर पे देखा है, उस दुरुपयोग पे माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो स्वतंत्रता का तो माननीय कोर्ट के जो भी टिप्पणी किया उससे ही पता लग जाता है। अब आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग में, जो कुछ अधिकारी राज्य से जाते हैं आईएएस स्तर के वही लोग होते हैं, बाकी सारी मशीनरी राज्य सरकार की काम करती है, चाहे थाना काम करता हो, चाहे जिला अधिकारी की पूरी टीम काटती हो, चाहे एसएसपी की पूरी टीम या एसपी की पूरी टीम काम करती हो, या जो लोग चुनाव में लगे हैं शिक्षक हो या अन्य भी हो, तो पूरी की पूरी टीम राज्य की होती है। तो निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई स्वतंत्र टीम नहीं है, तो इसलिए जितने भी इससे पहले भी जितने भी मतदान हुए हैं हमने हर बार शिकायत लिख के भेजी है, किसी बार वोटर लिस्ट ही पूरा गायब हो गया, किसी बार में पता लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का ये राज्य निर्वाचन आयोग का ये प्रेस ब्रीफिंग है जो वर्तमान निर्वाचन आयोग है। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, मेरी जानकारी के मुताबिक आपने शायद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग को चुनाव से पहले पत्र नहीं लिखा है। चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से पहले किस बात का पत्र लिखा? बिल्कुल, तो फिर आपको कहना चाहिए ना कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम तभी चुनाव लड़ेंगे, एक बार आपको आश्वस्त कराना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नतीजों में धांधली होती है, चुनाव में धांधली होती है, तो आप पहले भी एक पत्र लिख सकते हैं। पहली बात तो है कि इस बार दोनों चीज चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से भी हुआ था बिल्कुल, और ईवीएम से भी हुआ था। तो हम राज्य निर्वाचन आयोग को बाध्य नहीं कर सकते हैं। रही बात ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, ये तो मांग दसियों साल से चल रही है, तो छोड़ देते हैं, सभी लोग मांग कर रहे हैं, इस बात मांग को छोड़ देते हैं। जो चुनाव के दौरान जैसे हमारा अभी लखीमपुर का उपचुनाव हुआ था, तो 3 दिन पहले हमारे लगभग 163 कार्यकर्ताओं को उठा के बंद कर दिया गया। ये तो सरकारी मशीनरी काम करती है ना, और इसकी स्वतंत्रता पे टिप्पणी अभी अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीना भी हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया था कि इस तरीके से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, और हमें ऐसा निर्वाचन आयोग से चाहिए जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और प्रधानमंत्री से भी न डरे। ठीक है आमिर साबरी जी, निकाय चुनाव के नतीजे सभी ने देखे, किस पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा, किस पार्टी ने क्या कुछ प्रदर्शन किया, लेकिन रामपुर तो सपा का गढ़ कहा जाता है, और जब रामपुर की स्वार सीट के नतीजे आए तो वहां भी अपना दल एस का प्रत्याशी जो है वो जीत गया, तो फिर इस पर भी तो अब जो सपा है वो लगातार कह रही है कि यहाँ पर भी धांधली हुई है, यहाँ पर भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सपा अपना ही गढ़ नहीं बचा पा रही है, तो वो निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ देती है। देखिए मुस्कान जी, हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि विपक्ष ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष चुनाव लड़ता तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती। आप स्वार क्यों देख रहे हैं, पिछली बार रामपुर की सीट देख लीजिए लोकसभा की, आजमगढ़ की देख लीजिए, तो कुल मिलाकर के जब आप वॉक ओवर देंगे तो कैसे जीतेंगे? आपने उतनी मेहनत ही नहीं करी जितनी की भारतीय जनता पार्टी ने करी है। आपने मैनपुरी में मेहनत करी, मैनपुरी जीत गए, आजमगढ़ में मेहनत नहीं करी थी लोकसभा हार गए, रामपुर में मेहनत नहीं करी थी लोकसभा हार गए, मैनपुरी मेहनत करी लोकसभा जीत गए। तो कुल मिला के मुस्कान जी सच्चाई ये है कि एक सत्तासीन पार्टी है, उसके बावजूद उसके वार्ड अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक जमीनी सतह पे मेहनत कर रहा है, और आप जो है अहंकार में डूबे हुए तो कहां से जीत जाएंगे? बड़ा सवाल ये है मुस्कान जी।
और बाकी आफ्टर चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम पे या निर्वाचन आयोग पे इल्जाम लगाना ये बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपने मेहनत नहीं करी, आप चुनाव जीते नहीं, जिन्होंने मेहनत करी वो चुनाव जीते। अब बाकी बाद में इल्जाम लगाना सिर्फ इल्जाम तो हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती मुस्कान जी। ठीक है रविंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने मेहनत की है? मैंने कहा इससे पीछे की मेहनत हमने अभी से नहीं किया था, इस चुनाव से, चुनाव से पहले से हम लोग सितंबर से लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जी, मैं यहाँ पर आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रदेश के कई जनपदों में जाकर रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया, क्या वाकई में अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की? क्या शिवपाल यादव चुनावी प्रचार में कहीं नजर आए जोरदार प्रदर्शन करते हुए? दो चीज बता रहे हैं, एक तो हम, हमारे पास सरकार नहीं है, सत्ता नहीं, और अगर सितंबर से, मैं आपको डाटा ही बता दे रहा हूँ, सितंबर से अब तक खाली खाली 63 जिलों में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होके आए थे। फिर हम चचा जी जो आदरणीय शिवपाल जी है, शिवपाल जी ने 41 जिलों का दौरा किया। अब ताबड़तोड़ वो दिखता है कि जब हम हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कि एक एक बार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की कॉस्ट 40 लाख रुपए आती है, पता नहीं उस जिस जगह पे उतरते हैं पूरे जिले का इतना खर्चा निर्वाचन आयोग का आता है कि नहीं आता है। तो इनके पास संसाधन से, संसाधन का जितना दुरुपयोग कर सकते थे, प्रचार से लेके ताबड़तोड़ रैली जिसको आप कर रहे हैं वो किया, सभी लोग शामिल थे उसमें। मुझे लगता है कि जितने मंत्री थे सभी लोग थे, और 3-3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, तो हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते थे उस प्रकार का काम। रविंद्र जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि आपके, आप ऐसा बयान दे रहे हैं वो शोभनीय है? क्या आपके पास, क्या आपके पास प्रॉपर संस्थान या चीजें नहीं थी तो इस वजह से आपने रैलियां नहीं की? शोभा अशोभा की बात नहीं है, हम वास्तविकता बता रहे हैं कि जो सरकार के पास संसाधन रहेंगे वह कभी भी कोई भी, यही जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी हो जाएगी तब उसके पास संसाधन नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार का संसाधन अलग होता है और किसी भी पार्टी का संसाधन एकदम अलग होता है। आज आप ये बताइए कि कर्नाटक में अब किसी भी कांग्रेस पार्टी के जो बड़ा सा बड़ा लीडर हो, जो बहुत रिचेस्ट लीडर हो, और भारतीय जनता पार्टी पूरा पैसा दे कि जाओ हेलीकॉप्टर लेके पूरे जितने जनपद है अपने सारे जनपदों में यात्रा करो, या आने वाला है चुनाव, 28 लोकसभा है, जाके करके आओ, तो नहीं कर पाएंगे। संसाधन का यहाँ महत्व है, इसको शोभा से नहीं जोड़ना चाहिए। रविंद्र जी, आपने शायद अपनी ही सवाल से, अपनी ही जवाब से एक और जवाब खुद ही दे दिया कि जब कर्नाटक में भी तो भाजपा की ही अपनी सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का चुनाव हार गए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास संसाधन थे इस वजह से प्रचार किया। आमिर साबरी जी, एक तो सपा ने शानदार प्रदर्शन नहीं किया, फिर वो कहीं ना कहीं संसाधनों का हवाला देते हुए अपनी हार से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, ये बहुत ही पुअर तरीके की मिसाल है। अभी आपने, इन्होंने जो आप, जैसा कि अभी आपने कहा कि रविंद्र जी ने अपने ही सवाल में अपना ही जवाब दे दिया कि कर्नाटक में केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, उसके बाद कर्नाटक ही हार गए, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास तो संसाधन नहीं थे, कांग्रेस के पास ज्यादा, कैसे जीत गए फिर? देखिए प्रदेश के अंदर भी जनता मन बनाई थी, भाजपा का विरोध था, सारी बातें थी, लेकिन फिर वही आकर के बात रुक गई के सत्ता में होती हुई पार्टी ने 200 सभाएं करी, अखिलेश जी ने मात्र 10 सभाएं करी, कांग्रेस ने एक भी सभा नहीं करी, बहन जी घर से निकली नहीं, यही वजह है। आज भले भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि विपक्ष चुनाव लड़ रही, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जमीन पर चुनाव लड़ी, इसलिए प्रचंड बहुमत से तो नहीं कहूंगा लेकिन जीत करके आई। अब मेयर में 17 में 17 जीत गई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी मेहनत काम आई, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष को वोट नहीं मिला। देखिए पिछली बार भी विपक्ष को 5 कांग्रेस की सीटें थी नंबर 2 पर, 4 समाजवादी की सीटें थी नंबर 2 पर, 3 बहुजन समाज पार्टी की सीटें थी नंबर 2 पर, और 2 पे बहुजन समाज पार्टी जीती थी। तो ईवीएम होने के बाद बावजूद भी 2 भाजपा जीत के आई, 3 पर नंबर 2 पर रही, और इस बार भी लगभग लगभग आंकड़े ऐसे ही है। ये अलग बात है कि 17 के 17 बीजेपी जीत गई, लेकिन ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को वोट नहीं मिला, लेकिन ये सच है कि अगर थोड़ी मेहनत विपक्ष और कर लेता तो शायद रिजल्ट ये ना आता जो आया है। अच्छा, अभी साबरी जी, ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं 2024 से पहले काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर जो जनता है वो किसके पक्ष में है। तो जिस तरीके से इस बार निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उसको धक्का लगा है, और उसको क्या सीख लेनी चाहिए अब इस चुनाव के नतीजों से?
देखिए मुस्कान जी, स्थानीय निकाय चुनाव से और लोकसभा के चुनाव का हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था, केजरीवाल की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल साफ सुपड़ा साफ हो गया उनका। तो स्थानीय निकाय चुनाव से लोकसभा का आकलन करना मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित है, और जल्दबाजी भी होगा इस तरीके की बात करना। तो कुल मिलाकर के सच्चाई है कि स्थानीय निकाय चुनाव से लोकसभा का कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई है वो विपक्ष की आई है। अगर विपक्ष ऐसे ही चुनाव लड़ता रहा तो यकीनन वो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि 80 में से 75 ले आएंगे तो ला सकते हैं, बाकी केशव प्रसाद मौर्य अपनी नगर पंचायत भी ना जीत पाए। तो ये सिर्फ दावा तो हो सकता है लेकिन सच्चाई नहीं है, और ये मुंगेरीलाल सपने जैसा भी हो सकता है कि खुद की तो निकाय पंचायत हार गए और दावा कर रहे हैं 75 सीटें लाने का। और जिस तरीके से विपक्ष लड़ा है, अगर इसी तरीके से मुस्कान जी लड़ा तो फिर ये दावा सच भी हो सकता है कि वो 75 नहीं हो सकता, वो 80 लिया है, विपक्ष पूरा सुपड़ा साफ हो जाए, ये भी सच्चाई है। रविंद्र जी, नतीजे तो आ गए और आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो उससे आपकी पार्टी संतुष्ट नहीं है, जो नतीजे उससे आपकी पार्टी जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में अब 2024 की रणनीति क्या होगी आपकी? आखिर आपने इस हार से क्या सबक लिया? फिर देखिए, आप एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 2024 का चुनाव हुआ था, अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ पंचायतों का, ये तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 2022 में लगभग 16 करोड़ मतदाता थे, यह चुनाव तो केवल 4 करोड़ मतदाताओं का है, ठीक है। इससे पहले करीब करीब 10 करोड़ मतदाताओं का चुनाव हुआ था पंचायत का, तो उसमें हम 760 सीटें जीते थे और 720 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो उससे क्या सबक लिया हमने कि हम ग्रामीण स्तर पे बहुत मजबूत थे उनसे। फिर उसके बाद पीछे चले जाते हैं 22 के चुनाव में, तो हम उनकी 57 सीटें कम कर देते हैं। उससे क्या सबक लिया हमने कि भाई हम उनसे तमाम विधानसभाओं में हरा सकते हैं, तो हम अपनी निश्चित रूप से विधान लोकसभा की सीटें बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 करोड़ के जो मतदान हुआ है, इस 5 करोड़ के मतदान में निर्दलीय प्रथम है, भारतीय जनता पार्टी द्वितीय, हम तीसरे हैं। लेकिन इससे पहले ही, कुछ दिन पहले, अभी 2 साल पहले ही ग्रामीण स्तर का लगभग 10 करोड़ लोगों का मतदान हो चुका है, उसमें हम नंबर 1 आए हुए हैं। तो अगर हम दोनों को एक साथ रख देते हैं तब तो हम सबसे मजबूत पार्टी खड़ी होते हैं। तो फिर आप ये क्यों, ठीक है, आपने अभी अपने ही आंकड़े बताए कि जाहिर सी बात है आपने चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया और अगर दोनों के ही आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो आप एक अच्छी पार्टी खड़े होते हैं, तो फिर आप क्यों संसाधनों का हवाला दे रहे हैं? फिर अगर आप एक अच्छी और मजबूत पार्टी की तरह विपक्ष में खड़े हो रहे हैं तब तो फिर आपको संसाधनों का हवाला देना ही नहीं चाहिए चुनावी प्रचार में। नहीं, संसाधन का देना पड़ेगा हवाला, जैसे अभी कर्नाटक में प्रचार हुआ है तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी थी, केंद्र में भी रूलिंग पार्टी है, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचार किया है, उस हिसाब से कांग्रेस कहीं ठहरती है अभी भी। खाली खाली हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2 दिन तक रहे, आप पूरे इससे पहले कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री जी अपने संसाधन का पूरा उपयोग करते हुए, राज्य के संसाधन का पूरा उपयोग करते हुए रहते हैं, तभी हार जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा ना कि संसाधन नहीं था उनके पास में, संसाधन का पूरा उपयोग किया उन्होंने। तो हमारे पास संसाधन लेकिन रविंद्र जी, संसाधन पूरे होने के बावजूद भी कर्नाटक के नतीजे सबने देखे कि भाजपा किस हद तक वहां पर प्रदर्शन उसका खराब रहा और वो चुनाव तक नहीं जीत पाई। विवेक जी, अभी आपने सुना कि रविंद्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं आपने सरकारी जो संसाधन है उसका दुरुपयोग भी किया और उसका बेहद ज्यादा उपयोग भी किया, यही वजह है कि आप चुनाव जीत गए। क्या वाकई में आप इस बात से सहमत है? देखिए मुस्कान जी, रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी साधन का दुरुपयोग किया है, इसके लिए इनको दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और विश्वास करिए कि उस निर्वाचित व्यक्ति की या जिसने भी संसाधन का दुरुपयोग किया हुआ किसी चुनाव में, उसकी खुद की सदस्यता चली जाएगी। इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप बैठ करके नेशनल चैनल पर नहीं लगाना चाहिए, इसके कोई दस्तावेजी सबूत ना हो। पूरे चुनाव के दौरान ना कोई मंत्री ना मुख्यमंत्री कोई भी सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया है, कोई सरकारी गाड़ी तक की प्रयोग नहीं किया गया है, और तो और कोई हमारा जो मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी सरकारी गेस्ट हाउस तक में नहीं रुके गए हैं। तो ऐसे में इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाना ये ठीक नहीं है।
ठीक है विवेक जी, आपके के जवाब से मुझे रविंद्र जी के लिए सीधा एक सवाल आया कि यू तो रविंद्र जी आप नतीजे आने के बाद तुरंत चुनाव आयोग को एक पत्र लिख देते हैं, आपकी जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो चुनाव आयोग से मुलाकात करते हैं, तो वाकई में अगर आपको लगा कि इस दौरान जो संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग किया गया तब आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं पहुंचे? देखिए जब तक चलता रहा, पहले समझिए चुनाव आयोग क्या चीज है। चुनाव आयोग जिससे रिजल्ट निकल जाता है, चुनाव आयोग की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं हम, चुनाव आयोग को शिकायत करके तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस दिन चुनाव चल रहे थे रोका जा रहा था, फर्जी आधार कार्ड दिए जा रहे थे, उस समय भी तो हम शिकायत कर रहे थे, तो निर्वाचन आयोग ने क्या कर लिया? सारी शिकायतें तो हैं। इससे पिछले बार के चुनाव में भी जब गोला में हुआ था तब हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी चुनाव के बाद भी जाके दिया। होता क्या है, जैसे चुनाव खत्म रिजल्ट निकला, चुनाव आयोग की शक्तियां समाप्त, वो बैठ जाते हैं। उनमें से केवल एक कार्यालय ऐसा होता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है, जो वर्तमान में श्रीमान अजय शुक्ला जी है, उनका ऑफिस छोड़ के कुछ भी निर्वाचन आयोग नहीं रहता है, बाकी सारे के सारे सरकार के कर्मचारी हो जाते हैं। अब उसका इसका जो उपयोग की बात, उपयोग और दुरुपयोग की बात है, फिर उसके लिए हम चुनाव में न्यायपालिका में जा सकते हैं। बहुत लंबी लड़ाई है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अभी एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी से जीते हैं शाहगंज सीट से, उनके खिलाफ तमाम प्रकार के गलत कागज पत्र लगा के और चुनाव का फॉर्म भरने में उनका है कि इन्होंने जो अपना चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा है वो गलत है। अब ये माननीय न्यायपालिका में चलते चलते अभी 6 महीने से ज्यादा ऊपर हो गया, अब देखते कब फैसला आएगा। तो हमारे पास अनुभव है, मैं पुरानी बात बता दूं तो एक बार धारा 356 का अनुच्छेद करके भारतीय जनता पार्टी के दो सरकारें गिरा दिया था कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, और वो चुनाव लड़ते लड़ते ये स्थिति हो गई अदालत में कि वहां दूसरा चुनाव भी हो गया, और तब तक आयोग से फैसला माननीय कोर्ट से फैसला नहीं आया। इन चीजों को हम लोग जानते हैं और तुरंत भी कहते हैं तब भी ये जानते हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, कि वो अधिकारी दबाव, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर कोई शिकायत ऐसी जाती है तो वो कार्रवाई करने में समय लगाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये जो बात कर रहे हैं, मेरी बात कहिए तब ज्यादा अच्छा होगा, कि हम जब मुकदमा लेके न्यायालय में जाते हैं तो उसका फैसला होने में, क्योंकि मैंने अभी यही कहा, फैसला इतने होने में इतना देर हो गया कि तब तक अगला चुनाव हो गया। जैसे अभी 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 तुरंत महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया रहा होता उदो जी ने, तो हम इनको रीइंस्टेट कर सकते थे। रविंद्र जी, तो, अच्छा न्यायालय की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो ये भविष्य की राजनीति के लिए एक अच्छा और अहम फैसला होगा, तो फिर आपको तो मोर्चा खोल देना चाहिए। मोर्चा खोल ही रखा है हम लोग, चुनाव आयोग के खिलाफ कभी कोई भी चुनाव ऐसा है कि हमने मोर्चा नहीं खोल रखा, आप बताइए। तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अगर वाकई में आपको लगता है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है तो फिर अच्छा ठीक है। रविंद्र जी, 2017 से पहले तो यूपी में आपकी सरकार थी, तो क्या ये माना जाए कि आपने भी जो प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया था? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, मैं कैसे बताऊं? विवेक जी चलिए बता दीजिए, क्या वाकई में दुरुपयोग किया था? देखिए मुस्कान जी, आपने रविंद्र जी को इन्हीं की बातों में फंसा दिया। इस तरह के बेबुनियाद आरोप मैंने कहा था कि नहीं लगाने चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति सरकार में होता है वो इस तरह के कार्य नहीं करता। इसका एक उदाहरण इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ रायबरेली का, जिसमें सरकारी संसाधन के दुरुपयोग के चलते उनकी सदस्यता चली गई थी, तो ऐसा उसके बाद से कोई व्यक्ति इस तरह के दुरुपयोग नहीं करता है और इस तरह के आरोप भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके पास दस्तावेजी सबूत हैं तो सीधे कंप्लेंट करिए, दौरान चुनाव इलेक्शन कमीशन उस पर तुरंत कार्रवाई कर देगा। और जो बता रहे हैं कि न्यायपालिका से फैसला आने में देरी होती है,
तो तमाम इनके आजम खान के ऊपर फैसला आने में, उनके लड़के के ऊपर आने में जो समय लगा वही समय समय लगता है। तो न्यायिक प्रक्रिया उसका तो समय लगेगा, उस पर सबको समान करना चाहिए। उसके लिए कहना कि साहब मुकदमे का फैसला आने में बहुत देर हो जाती है, ये सब बेबुनियाद की बातें। सच को स्वीकार करना चाहिए कि आप जमीन पे उस हद तक पहुंच नहीं पाए, आपके नेता आपके लोगों ने उतना समय नहीं दिया कि अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे है, हमारा सीधा संवाद है जनता से, हम 365 दिन 2400 घंटे जनता से संपर्क संवाद में रहते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी तक जा रहा है, हम अपनी बात कन्वे करने में यहाँ सफल रहे और हमें जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है आमिर साबरी जी, मेरे एक आखिरी सवाल, ठीक है विवेक जी, आमिर साबरी जी मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, तो वही निर्वाचन आयोग ने अब एक नया आदेश दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले ये कोशिश की जाएगी कि एक राष्ट्र और एक वोटर लिस्ट सामने आ जाए, जिससे जो विपक्ष धांधली के आरोप लगाता है वो आरोप ना लग पाए। तो इस फैसले से किस तरीके से जो राष्ट्र है उसको लाभ मिलेगा या चुनाव कितने आसान हो जाएंगे? अगर चुनाव मुस्कान जी, अगर चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है और कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। एक वोटर लिस्ट होना चाहिए, मैं भी ये मांग करता हूँ। देखिए अब होता क्या है कि हमारे यहाँ तीन चुनाव होते हैं, बल्कि चार चुनाव मान लीजिए, नगर पालिका का होता है, विधानसभा का होता है और लोकसभा का होता है, और तीनों चुनाव की लिस्टें अलग अलग हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लिस्ट एक होनी चाहिए, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो तो उसी लिस्ट से हो, विधायकी का चुनाव हो तो उसी लिस्ट से हो, लोकसभा का चुनाव हो तो उसी लिस्ट हो। अगर चुनाव आयोग कह रहा है तो अच्छी बात है। और चुनाव निर्वाचन के बाद इल्जाम देते, मैं फिर दोहरा दूं बात, हम चाहते हैं कि तमाम पार्टियां लिख करके दे दे चुनाव आयोग को कि बैलेट से चुनाव होगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगा। मुस्कान जी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इतना बड़ा लोकतंत्र है, आप देखिए कि सालाना जो पर्व होते हैं वार्षिक पर्व, उनमें हम महीनों पहले से अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन जो पंचवर्षीय पर्व है और महापर्व है ये, और उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन आमिर साबरी जी, अभी आपने सुना, आमिर साबरी जी बिल्कुल अभी आपने सुना कि रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का काम चुनाव होने के बाद खत्म हो जाता है और वो फिर सरकार के कर्मचारी के तौर पर काम करता है। नहीं है, आप फिर समझिए, चुनाव आयोग है, उसका काम सिर्फ, ये बात बिल्कुल सही है, चुनाव के टाइम तक काम रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन सरकारी मशीनरी क्या है भाई, चुनाव आयोग तो सरकार के एक एक अंश है, वो अलग थोड़ी हो सकता है, आप ये बताइए पहले। और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप लिख के दीजिए ना, सारी पार्टियां लिख के दे निर्वाचन आयोग को कि चुनाव बार बार एक बात को दोहराना, हर चुनाव बाद पिछले 10 साल से मुस्कान जी यही सुन रहे हैं और ये जनता सुन रही, जनता भी अब भ्रमित होना छोड़ गई है, अब इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही विपक्ष की कतई, तो सोच रही बस जो आ गया वही ठीक है, अब चाहे ये आ जाए, चाहे कर्नाटक की सरकार बदल गई, अब आप गालियां दीजिए ईवीएम को, क्यों नहीं दे रहा गाली, क्या मतलब है इस चीज का, आप मेहनत करेंगे नहीं, आप हवाई चुनाव लड़ेंगे, जमीन पर है नहीं, और फिर बाद में निर्वाचन आयोग के साथ ठीकरा फोड़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है मुस्कान जी। हमने एक बार फिर कह दी, फिर कह रहे हैं वार्षिक पर्वों पर हम बड़ी तैयारी करते हैं, महीनों पहले से करते हैं, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, मुझे अपने बच्चों के कपड़े सिलाना है, अपने सिलाना है, ये करना है, घर की पुताई करना है, और पंचवर्षीय महापर्व जो है उसके लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है, फिर हम चुनाव आयोग पर ठीक पड़ते हैं, क्या मतलब है भाई, वोट मेरा कटाया तो उसकी जी। यूं तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली एक 6 महीने बाद आने के पर्व के लिए ही 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करता है, बजट तैयार करता है, लोगों से मिलाप करता है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने ये सारी चीजें नहीं की, ना वो जनता के बीच पहुंचे, ना वो जनता के बीच सक्रिय रही, यही वजह है कि इस बार जो तमाम विपक्षी पार्टियां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। धन्यवाद था आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती हुई दिखाई दी है, और सवाल उठाना ये कोई नई बात नहीं है, अमूमन हर चुनाव के बाद हमने देखा है, कभी निर्वाचन आयोग, कभी ईवीएम, तो इस बार बैलेट पेपर की काउंटिंग पर ही सवाल उठा दिए गए। लेकिन अब इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि कहीं ना कहीं अभी भी यूपी में योगी का मैजिक कायम है, यही वजह रही कि सभी 17 की 17 सीटों पर भाजपा के मेयर जीते, और इस बार की जो निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन काफी रहा और भाजपा कहीं ना कहीं लोगों के बीच सक्रिय रही, जो ग्राउंड लेवल पर मौजूद रही, यही वजह है कि भाजपा एक बार फिर से ट्रिपल इंजन
की सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जिससे विपक्ष को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगले साल 2024 के चुनाव है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब इस हार से उन्हें कड़ी सीख लेनी चाहिए और आगामी चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट जाना चाहिए। तो खबर दोपहर की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।